विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटन के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा प्रवेश द्वार पर कीर्तन किया। ढोल झाल के साथ भाजपा विधायकों ने नायाब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, हरे रामा हरे कृष्णा भजन भी गाए गए। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि जब विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए जगह दिया जा सकता है तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता है। सरकार एक धर्म विशेष के लोग को लेकर काम कर रही है, यह चलने नहीं दिया जाएगा। भाजपा सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। सभी धर्मों के लिए पूजा पाठ की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा में हनुमान मंदिर निर्माण के भाजपा की मांग का समर्थन किया है। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सरकार की ओर से नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा परिसर में कक्ष का आवंटित किया गया है। भाजपा का कहना है कि सरकार को विधानसभा में विभिन्न धर्म के लिए प्रार्थना कक्ष आवंटित किया जाए। भाजपा एक दिन पूर्व से ही इस मामले को लेकर सरकार का विरोध कर रही है। आज कीर्तन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं, कारण क्या है भजन कीर्तन करने का? आप तो देख ही रहे हैं कि विधानसभा एक संवैधानिक जगह है और राज के सवाती को जनता का मुद्दे को उठाने का जगह है, बट यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए कक्ष आवंटन करके गलत परंपरा की शुरुआत सरकार ने की है। तुष्टिकरण की राजनीति हद में इतनी सरकार नीचे गिर गई है कि मजबूरन आज हम लोग इसको रद्द करने का मांग कर रहे हैं। अगर कमरा आवंटन का रद्द नहीं किया जाता है तो हम लोग हिंदू सनातन धर्म एवं अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी आप कमरा आवंटन करो ताकि हम लोग भी पूजा पाठ वहाँ कर सकें, ध्यान कर सकें, सत्संग कर सकें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। क्या लगता है सरकार आपकी मांग मांगेगी? नहीं मांगेगी तो आंदोलन करेंगे। हमारे पास आंदोलन का रास्ता अख्तियार है। हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, पूरे जिले में किए हैं, राज्य पूरे राज्य को हम लोग अशांत कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।